अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस तरह का डोरमेट बनाना सीखेंगे। ये देखो, ये काफ़ी सॉफ्ट है। इसके अंदर मैंने कॉटन कपड़े का इस्तेमाल किया हूँ। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप टॉवल या पुरानी टी शर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी सॉफ्ट बनता है। तो ये देखें, इस तरह का आज हम बनाना सीखेंगे। उसके लिए देखो, सबसे पहले इस तरह से ये मैंने दो पीसेस की कटिंग करनी हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो, इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 18.5 इंच। इस तरह से मैंने ये दो पीस ले ली हूँ। इसे एक साइड में रखेंगे। ये मेरे पास कॉटन के इस तरह से टुकड़े हैं जिसकी मैंने अच्छे से इसी मेजरमेंट से इस तरह से मैंने कटिंग कर ली हूँ। ये देखो, इस तरह से मैंने चार पीस इस तरह से मैंने रख दी हूँ। एक फुल कमीज़ की में जो मेरे पुराने थे उस इसकी कटिंग करके इस तरह से ये मैंने रख दी हूँ। इससे काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और ये जो हमारा ऊपर वाला पीस है इस तरह से हम रख देंगे और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, इस तरह से आप चाहे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। तो हम इसे सबसे पहले उस तरह से स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। या फिर ये देखो, इस तरह से हम निशान लगाकर यहाँ पे भी इस तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो, ये शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। ये हमारी दोनों तरफ की स्टिचिंग हो गई है। अब ये मैंने 1.5 इंच पे इसकी ये कटिंग की हूँ। सबसे पहले मैं इसे इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे, इस तरफ ये सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ पूरा एक पाइपिंग की तरह इसे रेडी करते हैं। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग कर ली है यहाँ से। अब हम इसे इस तरह से 1 और इस तरह से इसे लाकर इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे पूरा इस तरह से बराबर से रखकर। तो ये हम रेडी करते हैं। ये देखो, इस तरह से ये हमारा बनकर आया है और काफ़ी ख़ूबसूरत और काफ़ी सॉफ्ट बना है। तो इस तरह आप भी बनाएं। शुक्रिया।